नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक अपना पंच इंस्पेक्शन किट, जो पार्ट फर्स्ट आपने देखा होगा। अगर नहीं दिया तो आई बटन रेफर करके आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट टू फॉर पंच इंस्पेक्शन किट, जो हमने लास्ट जो फर्स्ट पार्ट था वो अप टू द कब डेप यहां तक था। इसके आगे का पार्ट अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है, और जो न्यू कमर्स है या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज प्रेस बेल आइकॉन ताकि अपकमिंग वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो पार्ट टू में आता है, फॉर चेकिंग टिप डायमीटर ऑफ अ पंच। टिप डायमीटर का, पंच की टिप डायमीटर कैसे चेक करते हैं। होल्ड द पंच इन अ लेफ्ट हैंड टिप फेसिंग टू यू। ठीक है, मतलब अपनी मुंह की तरफ पंच का टिप पकड़ के रखना है। होल्ड द 0 to 25 mm माइक्रोमीटर इन द राइट हैंड। अपने राइट हैंड में माइक्रोमीटर लेना है, वो भी 0 to 25 mm की जो कैपेसिटी का है। क्लीन द एनविल ऑफ माइक्रोमीटर विद द क्लीन क्लीन क्लॉथ। सेट द माइक्रोमीटर टू जिदर। अवॉइड हार्ड प्रेस, मतलब कि ज्यादा जोर से नहीं दबाना है, क्योंकि ये सॉफ्ट और सेंसिटिव होता है। नाउ अप्लाई फोर्स विद द रैचेट स्मॉल व्हील, जो रैचेट बैक साइड में है उससे उसको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना है। सेट द जीरो बाय प्रेसिंग ओरिजिन और जीरो की। चेक द टिप डायमीटर बाय टचिंग द एनविल टू द टिप डायमीटर एंड अप्लाइंग द यूनिफॉर्म फोर्स विथ रैचर। चेक द डायमीटर एट थ्री पॉइंट्स टू गेट द एक्यूरेट रीडिंग। लिमिट नॉट मोर देन 0.02 mm। तो जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड में हमने पंच पकड़ा है, जिसका टिप, ये जो टिप है वो अप फेस में है। ये माइक्रोमीटर राइट हैंड में लिया है, और इस पोजीशन में लेके हमको इसका टिप डायमीटर चेक करना है, और जो डिस्प्ले आएगा यहाँ माइक्रोमीटर में हमको वो शो होगा, और उसकी लिमिट है नॉट मोर देन 0.02 mm। तो ये हुआ दोस्तों टिप डायमीटर कैसे चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर। फॉर चेकिंग बैरल एंड हेड डायमीटर ऑफ अ पंच। बैरल डायमीटर और हेड डायमीटर आपको कैसे चेक करना है। होल्ड द पंच इन द लेफ्ट हैंड, जैसे कि यहां दिखाया है, लेफ्ट हैंड में फेसिंग टू यू, मतलब पंच लेफ्ट हैंड में लिया। होल्ड 25 to 50 mm माइक्रोमीटर। पिछले में हमने लिया था 0 to 25 mm का माइक्रोमीटर लिया था, इसमें लेना है 25 to 50 mm माइक्रोमीटर राइट हैंड में लेना है। वही क्लीन, मतलब कि साफ सुथरा हो जो माइक्रोमीटर लिया है। जीरो सेटिंग करके लेना है पहले माइक्रोमीटर की, ताकि हमको एक्यूरेट रीडिंग आए। चेक द बैरल डायमीटर एट टिप एंड। टिप एंड के पास में बैरल डायमीटर चेक करना है, एंड हेड एंड बाय टचिंग एनविल एंड अप्लाइंग यूनिफॉर्म फोर्स विद द रैचेट। दो जगह को बैरल डायमीटर चेक करना है, एक तो हेड के एंड पे और दूसरा टिप के एंड पे। ठीक है, अप्लाइंग सेम मेथड टू चेक द हेड डायमीटर, और यही मेथड जो है हमको हेड डायमीटर चेक करने के लिए सेम मेथड से हमको यूज करके बैरल डायमीटर और हेड डायमीटर हमको चेक करना है। फॉर चेकिंग द पंच डाई कॉन्सेंट्रेसिटी यूजिंग पंच होल्डर। ठीक है, अभी हमको
पंच कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करनी है और वो भी पंच होल्डर यूज करके। लोकेट द पंच इन द चेकिंग जिग, मतलब जो जिग है उसमें हमको पंच रखना है। प्लेस डाई इन अ सेम जिग, उसी जिग में हमने डाई रखी। चेक द मूवमेंट ऑफ द पंच इन द डाई बोर, और पंच का मूवमेंट चेक करना है डाई बोर में। लिमिट पंच शुड इजीली मूव इन आउट ऑफ द डाई बोर, मतलब कि पंच हमको डाई में इजीली इन और आउट, मतलब डाई बोर में जाना चाहिए आना चाहिए इजीली। अगर टचेस हो रहा है तो क्लियरेंस में प्रॉब्लम है। इफ मूवमेंट इज नॉट फ्री देन देयर इज अ मिसमैच ऑफ अ पंच टिप विद द रिस्पेक्ट टू द डाई बोर, इनका क्लियरेंस प्रॉपरली है नहीं। किसमें? पंच टिप और डाई बोर में क्लियरेंस प्रॉपर है नहीं, तो उससे क्या होगा कि पंच जाम हो सकता है। चेकिंग टैबलेट कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ पंच कॉनकेविटी यूजिंग रेडियस गेज, होल्ड द टैबलेट, होल्ड द रेडियस गेज ऑफ द सेम रेंज ऑन द टैबलेट एंड अश्योर द कॉन्वेक्सिटी, अप्लाई द सेम मेथड टू चेक द पंच कॉनकेविटी। ये जैसे हाथ में राइट हैंड में आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये रेडियस गेज है और ये पंच लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है और ये पंच का टिप है जिसको वो हमको पंच की कॉनकेविटी यूजिंग रेड गेज, कॉन्वेक्सिटी और पंच कॉनकेविटी। ठीक है, चेकिंग द हेड थिकनेस एंड हेड एंगल यूजिंग हेड गो और नो गो गेज से, जैसे कि ये पंच लिया है हेड गो और हेड नो गो लेना है और उसमें से हेड पंच का पास करके देखना है, गो में पास होना चाहिए नो गो में पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, होल्ड द पंच एंड पास द स्नैप यूजिंग ओवर द हेड ऑफ अ पंच विद गो साइड, रिपीट दिस टाइम इंसर्ट नो गेज साइड टू स्नैप यूजिंग टू बी पास। इफ द नो गो साइड पास टू द हेड ऑफ अ पंच इट इज रिजेक्टेड, मतलब गो में हेड पास होना चाहिए और नो गो में हेड पास नहीं होना चाहिए। अगर नो गो में अगर आपका हेड पंच का उसमें से जा रहा है, इस ये जो गेज है इसमें से अगर आपका हेड अगर नो गो में पास हो रहा है तो पंच हमको रिजेक्ट करना है। चेकिंग टिप बैरल कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ पंच, टिप और बैरल की कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ पंच कैसे चेक करते हैं, तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पिक्चर में, होल्ड द पंच इन अ वी ब्लॉक विथ सी क्लैंप। ठीक है, ये वी ब्लॉक है, ये सी क्लैंप है, ये पंच रखा गया है। ठीक है, प्लेस द एनविल ऑफ अ डायल गेज ऑन अ टिप आउटर डायमीटर ऑफ द पंच, ये एनविल रखा गया है, जैसे ये पंच का हेड है, ये बैरल है और ये टिप है। प्लेस द सेट द गेज रीडिंग 2.00 बाय प्रेसिंग द ओरिजिन बटन, रोटेट द पंच सच दैट डायल एनविल इज इन कॉन्टैक्ट विद द सर्कमफेरेंस outside area of a punch. Okay, dial gauge reading will give the concentricity of a tip to body diameter. So, मतलब rotate the punch, मतलब क्या करना है, ये punch horizontal position पे रखा है, C clamp से उसको tight किया हो और यहाँ anvil हमने जैसे punch tip पे place the anvil dial gauge ऑन टिप आउटर डायमीटर ऑफ द पंच, आउटर डायमीटर ऑफ द पंच पे
रखा, तो रखने के बाद हमको पंच को रोटेट करना है, ठीक है। तो रोटेट होने के बाद डायल गेज रीडिंग विल गिव द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ द टेप टू बॉडी डायमीटर, और उसकी लिमिट है प्लस माइनस 0.025 mm, इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रिसिटी होनी नहीं चाहिए। फॉर चेकिंग द टैबलेट प्रेस टरेट डाय पॉकेट साइज, अगर टैबलेट टरेट में और दोस्तों यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि टरेट का कोई आपका डाउट्स है तो टरेट्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप वो भी रेफर करके देख सकते हैं। प्लेस द इंक्रीमेंटल डाई ओडी गेज इन अ टरेट डाई पॉकेट ऑफ द टैबलेट प्रेस, ओडी गेज गेटिंग प्रॉपरली फिक्स इन द डाई बोर, चेक द साइज ऑफ द गेज, दिस इज द साइज ऑफ द टरेट डाई पॉकेट। जो मतलब डाइल इंक्रीमेंटल डाई आउटर ओडी गेज जो है वो टरेट पे डाई पॉकेट जो है वो उसकी डायमीटर सही है कि नहीं चेक करने के लिए यूज करना है। मतलब टरेट पे जाके हमको ये ओडी जो गेज है इंक्रीमेंटल डाई वो वहां रखनी है और उसका डायमीटर हमको चेक करना है। फॉर चेकिंग एम्बॉसिंग टिप डैमेज और डाई बोर फिनिश, द मैग्नीफाइंग लेंस नीड्स टू बी प्लेस नियर टू द एरिया एंड विजुअली चेक फॉर एनी डैमेजेस ऑन द एम्बॉसिंग एरिया ऑन टिप एंड इवन द डाई बोर फिनिश। तो ये था पंच इंस्पेक्शन किट के पूरी इंफॉर्मेशन, जो हम लोग जैसे कि प्रोक्योरमेंट करने के बाद इंडेंट करने के बाद पंच अपने पास आता है उसका हमको इंस्पेक्शन किस तरह से करना है और इंस्पेक्शन में क्या क्या करना है उसकी प्रोसेस और उसका क्राइटेरिया और उसकी लिमिट, ये हमने इस वीडियो में देखा। तो अगर कुछ इसमें से डाउट है या इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट अलग सा बनाया हुआ है तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में पंच इंस्पेक्शन किट पूरा ओवरऑल मैंने दिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूजफुल होगी। तो रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद।